नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रस्तोगी और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी पेलिमोन का डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन सबसे पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन है कि ये जो भी कंटेंट है ये केवल एकेडमिक पर्पसेस के लिए है और इसका किसी भी प्रकार से इकोनॉमिक या कमर्शियल इस्तेमाल जो है पूर्णतः निषेध है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं प्रॉन के, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल और हिपेटोपैनक्रियाज। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके क्या क्या पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। फोरगट, फोरगट में चार पार्ट्स होते हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक। फोरगट जो होता है ये इंटरनली लाइंड होता है क्यूटिकल के द्वारा। नेक्स्ट आता है मिडगट। मिडगट इंटरनली लाइंड होता है एंडोडर्म के द्वारा और मिडगट को आप इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। द लास्ट पार्ट होता है हाइंड गट। ये सबसे छोटा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और ये भी इंटरनली लाइंड होता है क्यूटिकल के द्वारा और इसके दो पार्ट्स होते हैं, रेक्टम और एनस। सो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल इन लेटरल व्यू। एलिमेंट्री कैनाल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के ठीक पीछे छोटा सा बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी के ठीक पीछे ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के बाद बहुत बड़ा सा स्टमक होता है, स्टमक के बाद मिडगट या इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद हाइंडगट जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेक्टम और एनस। और आप देख सकते हैं कि स्टमक की लेटरल साइड्स में, वेंट्रल साइड में और पीछे के हिस्से में ये हिपेटोपैनक्रियाज है जिसके अंदर स्टमक थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है या उसके द्वारा ये हिपेटोपैनक्रियाज के द्वारा स्टमक कवर्ड रहता है। सबसे पहले माउथ और बक्कल कैविटी। माउथ जो होता है एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है, मिड वेंट्रल पोजीशन में होता है, हेड के इंटीरियर एंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है और फ्रंट में माउथ की जो मार्जिन है वो बनती है शील्ड लाइक लेब्रम के द्वारा। ये फ्लैशी होता है, मांस का बना हुआ होता है और लेटरल साइड्स में इंसाइजर प्रोसेसेस होते हैं मैंडिबल के जो कि भोजन को काटने का काम करते हैं, और जबकि पीछे की तरफ इसमें बाईलोब्ड लेबियम प्रेजेंट होता है। अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी, माउथ तुरंत एंटर होता है बक्कल कैविटी में और बक्कल कैविटी जो होती है एंटीरो पोस्टीरियरली बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है और इसकी जो थिक काइटिनस लाइनिंग है उसमें रेगुलर फोल्ड्स होते हैं। मोलार प्रोसेस ऑफ मैंडिबल ये जो है ये बक्कल कैविटी में प्रोजेक्ट करते हैं और ये भोजन को अच्छे तरीके से क्रश करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बक्कल कैविटी में मोलार प्रोसेसेस हैं मैंडिबल के। बक्कल कैविटी के बाद तुरंत आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है ये वर्टिकली अपवर्ड्स जाता है, मतलब सीधा ऊपर की तरफ जाता है और ये लीड करता है टू द फ्लोर ऑफ स्टमक। दैट मींस माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी एंड बक्कल कैविटी लीड्स टू ईसोफेगस, ईसोफेगस ओपन्स इनटू द फ्लोर ऑफ स्टमक। जो ईसोफेगस की वॉल्स होती हैं काफ़ी थिक और मस्कुलर वॉल्स होती हैं और इसमें फोल्ड्स होते हैं, चार फोल्ड्स होते हैं इसकी वॉल में। एक एंटीरियर फोल्ड होता है, एक पोस्टीरियर फोल्ड होता है और दोनों साइड पे एक एक लेटरल फोल्ड होता है। ईसोफेगस की जो ल्यूमेन होती है उसमें काफी सारे ब्रिसल्स प्रोजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक जो होता है सिफेलोथोरेसिक कैविटी का काफ़ी बड़ा हिस्सा ये ऑक्यूपाई करता है और ये बरिड या धंसा हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है लेटरल, वेंट्रल और पोस्टीरियर साइड पे हिपेटोपैनक्रियाज के बीच में। स्टमक जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है और टू चैम्बर्ड होती है, इसमें दो चैम्बर या दो पार्ट्स होते हैं और इसके जो अनइक्वल पार्ट्स हैं, काफ़ी बड़ा कार्डियक स्टमक होता है और बहुत छोटा सा पाइलोरिक स्टमक होता है और ये दोनों मिलकर के स्टमक बनाते हैं। कार्डियक स्टमक में जो इंटरनल क्यूटिकल की लाइनिंग होती है इसमें बहुत सारे इनकॉन्स्पिकुअस लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं और जो कि
ये आप देख सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स हैं यहाँ पर, और इन पे सीटी प्रेजेंट, सीटी या माइन्यूट ब्रिसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और स्टमक की जो वॉल होती है वो भी क्यूटिकुलर प्लेट से सपोर्टेड रहती है। तो सबसे पहले एक सर्कुलर प्लेट होती है, वो एंटीरियर पार्ट में होती है, जहाँ पर इन द रूफ ऑफ द स्टमक, जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक में खुलता है, एक ये सर्कुलर प्लेट प्रेजेंट होती है। जबकि इसके बाद ईसोफेजियल ओपनिंग के ठीक पीछे लेटरल साइड पे एक लैंसियोलेट प्लेट होती है, जो कि थोड़ी सी ट्रायंगुलर सी प्लेट होती है, ये प्रेजेंट होती है। कार्डियक स्टमक के फ्लोर में एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है, जिसका आकार स्पीयर या भाले के सिरे के समान होता है, इस वजह से इसको कहते हैं हैस्टेड प्लेट। हैस्टेड प्लेट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ट्रायंगुलर पोर्शन जो होता है, वो काफ़ी धसा हुआ होता है या डिप्रेशन में होता है। कार्डियक प्लेट के बिल्कुल बीच में, मध्य में एक रिज होती है, मीडियन रिज होती है एक, जिसपे काफी सारे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। हैस्टेड प्लेट की साइड्स में, लेटरल साइड में सपोर्टिंग रॉड प्रेजेंट होती है, और उसके ठीक और उसके लेटरल साइड में एक ग्रूव प्लेट होती है। ग्रूव प्लेट एक ओपन ड्रेन या खुली हुई नाली के समान होती है, हैस्टेड प्लेट की लेटरल साइड्स में। ग्रूव प्लेट के बाहर एक रिज प्लेट होती है, जो रिज प्लेट होती है इसमें ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ब्रिसल्स की प्रेजेंस की वजह से इस रिज प्लेट को कॉम्ब प्लेट भी बोलते हैं। जो ये कॉम्ब प्लेट होती है, ये एंटीरियर साइड पे हैस्टेड प्लेट के ऊपर ये जॉइंट होती है, जबकि पोस्टीरियर साइड पे ये खुली हुई होती है, इसके जो पोस्टीरियर एंड है वो आपस में नहीं मिलता है। अब रिज प्लेट के और साइड में, उसकी लेटरल साइड में एक गाइडिंग रिज होती है। गाइडिंग रिज मतलब ये उभार है, ये एंटीरियर साइड पे इसकी हाइट कम होती है, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे जैसे जैसे पीछे जाता है तो ये इसका उभार ये बड़ा होता चला जाता है। जबकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लेटरल ग्रूव है वो एक नाली के समान है। कॉम प्लेट या रिज प्लेट के जो ये ब्रिसल्स होते हैं, ये साइड की ग्रूव प्लेट को कवर करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जो कार्डियक स्टमक है, यहाँ पर ये एक्स टाइप का वॉल्व बनता है, और कार्डियक स्टमक खुलती है पाइलोरिक स्टमक में। जो कार्डियक स्टमक जहाँ पर पाइलोरिक स्टमक में खुलती है, तो यहाँ पर जो कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर है वो एक्स के आकार का होता है, इंग्लिश अक्षर एक्स के आकार का होता है, और इसमें चार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जो इसका एंटीरियर वॉल्व है वो बनता है हैस्टेड प्लेट के डिप्रेस्ड पोस्टीरियर पार्ट से, मतलब हैस्टेड प्लेट का जो धसा हुआ पोस्टीरियर पार्ट है उससे बनता है, जबकि जो पोस्टीरियर वॉल्व है वो स्टमक वॉल के सेमी ल्यूनर फोल्ड के द्वारा, मतलब अर्धचंद्राकार यहाँ पे फोल्ड होता है स्टमक का, कार्डियक स्टमक का, उससे पोस्टीरियर वॉल्व बनता है, जबकि जो लेटरल वॉल्व हैं वो बनते हैं गाइडिंग रिज के द्वारा। ये आप देख सकते हैं कि जो लेटरल वॉल्व हैं वो गाइडिंग रिज के द्वारा ये बन जाते हैं। कार्डियक स्टमक लीड्स टू द पाइलोरिक स्टमक, और पाइलोरिक स्टमक जो होती है वो डिवाइडेड होती है इसकी लेटरल वॉल्स के द्वारा, इसमें एक फोल्ड होता है, लेटरल फोल्ड होता है, उसकी वजह से ये दो इनकम दो चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है। काफ़ी छोटा सा इसमें डॉर्सल चैम्बर होता है, और बहुत बड़ा इसमें वेंट्रल चैम्बर होता है। ये देखिए आप, वेंट्रल चैम्बर है और डॉर्सल चैम्बर है। जो वेंट्रल चैम्बर है उसमें एक इन्वर्टेड वी के आकार की लेटरल वॉल का फोल्ड होता है, जो कि उसको फर्दर लेटरल चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है। ये जो इसका लेटरल वॉल है, इसके जो ये बनाता है पाइलोरिक फिल्टर प्लेट। जो ये पाइलोरिक फिल्टर प्लेट है, इसमें रिजेस और ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, और देखने में ये फेल्ट पेपर की तरह से लगता है, एक फेल्ट की जैसी लाइनिंग बनाता है, और ये एक छलनी की तरीके से कार्य करता है। जो लेटरल फोल्ड है
ये अपने आप में रेक्टेंगुलर होते हैं और इनके ऊपर ये आप ये देख सकते हैं कि रिजेस और ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भोजन पीछे आता है, जो हेस्टेड प्लेट के ब्रिसल्स हैं, वो उसको छानने का काफी काम करते हैं, जिससे कि केवल लिक्विड के रूप में भोजन अंदर की तरफ आता है। और ये जो मशी सा लिक्विड होता है, ये फर्दर छनता है पाइलोरिक फिल्टर प्लेट के द्वारा। पाइलोरिक स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट में ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है, जिससे कि भोजन हिपैटो पैनक्रियाज में जा सकता है। जबकि जो डोर्सल चैम्बर है वो छोटा है और उसमें एक डोर्सल सीका होता है, जो कि ब्लाइंड इसकी टर्मिनेशन है डोर्सल चैम्बर की। और डोर्सल चैम्बर फिर आगे खुलता है मिडगट में। नेक्स्ट इज मिडगट। मिडगट जो है वो एक्सटेंड करती है थ्रू आउट द एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ये पूरे 5 सेगमेंट्स में एक्सटेंड करती है। और मिडगट जो होती है उसका अगर हम इंटरनल सेक्शन देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक एपिथेलियल लाइनिंग होती है और इसमें लेटरल फोल्ड्स होते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग में ये फोल्ड्स होते हैं, विलाय की तरीके से कार्य करते हैं ये। और इसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इन फोल्ड्स में। एपिथेलियल सेल्स लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके बाद लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के बाद एक लेयर होता है सर्कुलर मसल्स का, एक बहुत पतला लेयर होता है सर्कुलर मसल्स का। और सर्कुलर मसल्स के बाद अगेन एक लेयर होता है, थिक लेयर होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल्स का। लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के इस लेयर में ब्लड लैक्यूनी प्रेजेंट होते हैं और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स के बाद बाहर की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है और अंदर की तरफ जो लाइनिंग है उसमें क्यूटिकुलर लेयर भी होता है इसके अंदर। और क्योंकि इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं विलाय की तरीके से, तो ये ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन जो होता है काफी हद तक रिड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट इज हाइंडगट। हाइंडगट जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और हाइंडगट जो होता है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पर प्रेजेंट होता है। और एंटीरियरली जो एंटीरियर पार्ट होता है हाइंडगट का, वो थोड़ा स्वोलन होता है रेक्टम के रूप में। और जो पोस्टीरियर उसमें खुलता है एट द एंड ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट एट द बेस ऑफ द टेल्सन, टेल्सन के बेस में एनस के द्वारा ये खुलता है। और ये एक रेस्ड पेपिली पर प्रेजेंट होता है एनस, जहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं और रेडिएटिंग मसल फाइबर्स होते हैं जो कि उसको खोलने का में सहायक होते हैं। अगर टीएस देखें हम रेक्टम का, तो इसका ल्यूमेन काफ़ी बड़ा होता है और इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। इसके बाहर की तरफ एक लेयर होता है सर्कुलर मसल्स का और सर्कुलर मसल्स के बाहर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनके बीच में ब्लड लैक्यूनी प्रेजेंट होते हैं। और आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो ये था एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हिपेटो पैनक्रियाज। हिपेटो पैनक्रियाज एक बहुत बड़ा इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड है और इसकी पोजीशन होती है इन द सिफेलोथोरेसिक कैविटी। और वहाँ पर ये स्टमक के लेटरल साइड में, वेंट्रल साइड में, स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट्स में उसको कवर करते हुए प्रेजेंट होता है। इसके जो कार्य हैं पैनक्रियाज की तरीके से, पैनक्रियाज की भांति ये डाइजेस्टिव फर्मेंट्स या डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रीट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। मिडगट की भांति ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है और उसके अलावा ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी कार्य करता है, जो कि फैट और कैल्शियम ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और फैट को स्टोर करता है और कैल्शियम को स्टोर करता है लिवर की तरीके से। जो हिपैटो पैनक्रियाज होता है ये बहुत बड़ा होता है, बाइलोब्ड होता है, ऑरेंज कलर का होता है और ग्लैंडुलर मास है इसमें। ये जो बना होता है 2 अलग अलग लोब्स के द्वारा बनता है। और अगर हम इसको डेवलपमेंटली देखें तो ये मीजेंट्रॉन, एम्ब्रियो के मीजेंट्रॉन से निकलता है और एक हिपैटिक सीका के रूप में ये ओरिजिनेट होता है। और ये हिपैटिक सीका में फिर रेसिमोस ब्रांचिंग होती है जिसकी द्वारा ये अडल्ट में ये एक बड़ा ग्लैंड बनता है। इसमें बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ट्यूब्यूल्स मिल करके फिर फर्दर बड़े ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। और इस प्रकार से
ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा ग्लैंड बनता है और इसमें चार प्रकार के सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं ग्रैन्युलर सेल्स, ग्रैन्युलर सेल्स थोड़े डार्क कलर के हैं। दूसरे होते हैं फर्मेंट सेल्स, ये सीक्रेटरी सेल्स होते हैं जो फर्मेंट सेल्स होते हैं। तीसरे होते हैं हेपेटिक सेल्स जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट होते हैं इसमें बेसल या रिप्लेसिंग सेल जो कि बाकी के तीन प्रकार के सेल्स को रिप्लेस करने का कार्य करते हैं। जो ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ करके, मतलब छोटे ट्यूब्यूल्स अपने से बड़े ट्यूब्यूल्स में जो लीड करते हैं, फिर ये बड़े ट्यूब्यूल्स और बड़े ट्यूब्यूल्स में जाते हैं और इस तरीके से फाइनली दो बड़ी हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स बनाते हैं। तो प्रॉन या पैलीमोन जो होता है ये ओमनिवोरस होता है और इसकी डाइट में आते हैं एल्गी, मॉस या कुछ और एक्वेटिक वीड्स हो सकती हैं, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बॉटम में जो पॉन्ड की तली में जो थोड़ा बहुत डेब्रीज होता है वो होता है। कई बार देखा गया है कि ये टैडपोल्स और छोटी छोटी मछलियों के ऊपर भी फीड करते हैं और अधिकतर ये रात में भोजन या शिकार करते हैं अपना। और सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ये डॉन और डस्क के टाइम पे, यानी कि उषा काल में और गोधूली बेला में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब थोड़ा कम रोशनी होती है उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर हम इसका फीडिंग मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो इसका फूड है ये उसको अपने चीलेट लेग्स की सहायता से पकड़ता है और अपने मुख तक लेकर के आता है। इस भोजन को अपनी जगह पर रखने का कार्य करते हैं सेकेंड और थर्ड पेयर, सेकेंड और थर्ड मैक्सिलिपीड्स। फिर इस भोजन को काटने का काम करते हैं जो मैंडिबल्स के इंसाइजर प्रोसेस होते हैं जो मुख में लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये उसको छोटे पीसेस में काटने का काम करते हैं। अब ये फूड माउथ में जाता है और माउथ से फिर बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी में जो मोलार प्रोसेसेस हैं मैंडिबल के वो उसको और क्रश करते हैं और फिर ये फूड जो है मूवमेंट्स के द्वारा, जो मसल्स की मूवमेंट है उसके द्वारा ये ईसोफेगस में पुश हो जाता है और ईसोफेगस से फिर ये कार्डियक स्टमक में मसल्स की मूवमेंट से पुश हो जाता है। इसके बाद कार्डियक स्टमक में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं वो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर के द्वारा पाइलोरिक स्टमक में चले जाते हैं। पाइलोरिक स्टमक में हिपेटोपैनक्रियाटिक सीक्रीशंस जो हैं वो पाइलोरिक स्टमक में आती हैं और उसके पाइलोरिक स्टमक से फिर ये कार्डियक स्टमक में जाती हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक सीक्रीशंस और यहाँ पर भोजन इनके साथ मिक्स होता है। और ये होता है जब कार्डियक स्टमक की जो लाइनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है, तब उसके में ये जो डाइजेस्टिव फर्मेंट्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ। फिर ये फूड पास होता है हैस्टेड प्लेट के ऊपर। हैस्टेड प्लेट में क्योंकि बहुत सारे ब्रिसल्स होते हैं और कॉम प्लेट के भी ब्रिसल्स होते हैं तो ये फूड को फर्दर फाइन पार्टिकल्स में कट करने का काम करते हैं। अब ये फूड जो है फिल्टर होता है कॉम प्लेट के ब्रिसल्स के द्वारा और फिर ये लेटरल ग्रूव से होते हुए ये वेंट्रल चैम्बर में चला जाता है पाइलोरिक स्टमक के कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर से पास होते हुए। अब ये डाइजेस्टिव और लिक्विफाइड फूड जो है ये पाइलोरिक फिल्टर के द्वारा फिल्टर होता है और ये डाइजेस्टेड फूड जो है ये एंटर होता है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा हिपेटोपैनक्रियाज में, जहां पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो रेजिडुअल फूड बचता है, जो थोड़े कोर्स पार्टिकल्स या थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये वापस से पाइलोरिक चैम्बर में आते हैं और फिर ये मिडगट में चले जाते हैं। बाकी का जो बचा हुआ भोजन है वो मिडगट में डाइजेस्ट होता है और अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर जो होता है वो हाइंडगट से बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाता है। इसके लिए सजेस्टेड रीडिंग है कोटपाल आरएल, पेलीमोन मैल्कम सुनाए, फ्रेश वाटर प्रॉन, ये चैप्टर है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स बाय रस्तोगी पब्लिकेशन और दूसरी किताब है जॉर्डन ईएल एंड वर्मा पीएस, पेलीमोन इन इनवर्टिब्रेट जूलॉजी एस चांदन कंपनी। थैंक यू।